गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं कास पठार। कास पठार सातारा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। इसे प्लेटो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यहाँ आने का बेस्ट सीजन है सितंबर टू अक्टूबर। इस सीजन में आपको यहाँ भरपूर तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम आपको ले जाने वाले हैं एक अद्भुत सफर। हमने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की है और अब हम जा रहे हैं बस की ओर। यहाँ हम अपने कार लेके नहीं जा सकते, उनकी बस सर्विस से ही कास पठार के गेट तक जाना होता है। कास पठार के चार गेट्स हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, और बस का चार्जेस है 20 रुपीज पर पर्सन। आपको यहाँ आने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज आप देख रहे हैं, हम आए हैं कास पठार। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। कास पठार ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कास पठार सह्याद्री माउंटेन के वेस्टर्न घाट में आता है। यहाँ अराउंड 850 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। गाइस, मेरे दोनों तरफ यहाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ काफ़ी वाइट कलर के फ्लावर्स और वहाँ पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं। कराट के कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप भी मिला। वे लोग काफी फ्रेंडली थे। आप देख सकते हैं गाइस, पूरी तरह से कास पठार फिल चुका है। यहाँ काफी सारे पर्पल पिंक मिक्स फ्लावर्स हैं और उधर
अभी हम यहाँ गेट वन की तरफ आए थे। यहाँ एक छोटा सा लेक भी है, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ मस्त एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली और फ्लावर्स की बात ही कुछ और है, और ये है वो जगह जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जगह की खूबसूरती को कैप्चर किए बिना रहा नहीं गया और साथ में हमने भी कुछ पिक्चर्स ले लिए। वैसे यहाँ खाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने लंच हेरिटेज वाड़ी में किया, इसके बारे में इंस्टाग्राम पर काफी रिकमेंडेशंस आए थे। यहाँ का खाना टेस्टी था, खाने में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पटार का वीडियो अगर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।